मुंह से गुरुजी की निंदा जिस वक्त मेरी जीभ से निकले तो जीभ गल जा, मेरी जीभ गल जाए गुरुजी की निंदा क्यों करेगी। डांटे तो ऐसी पड़ी है आप, एक साधु ने मुझे बुलाया और मुझे कह रहा था कि तू इतना जवान स्मार्ट लड़का, तू ऐसा ऐसा कर रिद्धि सिद्धि आएगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। किसी ने जाकर बापू जी को कह दिया कि वो साधु के चक्कर में आ गया और साधु उसको रिद्धि सिद्धि पाने की रीत बता रहे। बुला उसको, मैं कहाँ गया था? बोले स्वामी वो साधु ने मेरे को बुलाया था और वैसे ही कुछ बता रहा था। अरे ये तो नकल है, असल होती तो कुछ और ही हो जाता। और दूसरी क्षण कहते हैं बेटे जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो तब तक ऐसे वैसों की बातों में नहीं उलझना चाहिए। साधक बाज होता है और ये ऐसी वैसी बातें शिकारी होते हैं। सूरज उगा तो और दिया किया न किया, पूरा सतगुरु मिला तो और को प्रणाम किया न किया। खलक की खिजमत से न देखूं मैं बंदगी बेहतर, खलक जी खिजमत खान भाया बंदगी बेहतर। ये बार बार मेरे को देखकर बोलते थे, खलक की खिजमत से समाधि को मैं बेहतरीन नहीं मानता हूं, ऐसा बोलते मेरे सामने देखते 92 वर्ष के जवान मुझ 28 साल के बूढ़े के तरफ देखते थे। मैं 28 साल का बूढ़ा था उस समय और वो 92 साल के जवान थे। इतना उत्साह से काम करते थे, मैं सोचता ये सब क्यों, अपने तो बैठो ध्यान भजन करो, अपना क्या, जो करेगा वो भरेगा, अपने तो भगवान का ध्यान करो भजन करो। तो मैं 28 साल का बूढ़ा था हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, हंसते खेलते सच्चे परमात्मा के सुख को ज्ञान को आनंद को पाना है। कबीर जी कहते हैं ये मन जहां जाए तहां निर्भय समता से ठहरावे, बिना ब्रह्म हठ क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे। ये आपकी भाव समाधि सहज में सुख लग रहा है, समाधान मिल रहा है, ऐसे करते करते परम सत्य की यात्रा कराओ। फरियाद की गिलहरी ने के मेरे बालू का दाना सेतु बंद बन रहा था रामेश्वर का, ये बंदर मोटे तो पत्थर उठाए। मैं गिलहरी बालू का दाना उठाकर डालती थी, लोगों ने फरियाद की तो हनुमान जी ने मेरे पूंछ पर अपना अंगूठा दबा दिया। राम जी ने कहा तुम ही बताओ कि हनुमान जी की गलती का उसको क्या सजा दूं। बोले आप उसे बुलाकर उसकी पूंछ पर अपना पैर दबाइए तो पता चले कि पूंछ वालों को कितनी पीड़ा होती है पूंछ दबने पर। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुमने गिलहरी की पूंछ दबाई है ना? बोले जी प्रभु। बैठ जाओ, तुम्हें दंड दिया जा रहा है। राम जी ने अपने बलपूर्वक ताहे पैर से हनुमान जी की पूंछ दबाई। पूंछ दबाने से पीड़ा तो होती लेकिन याद आया कि तो राम जी का चरण मिल रहा है, मेरे राम राम, बड़े भाव समाधि में चले गए। जब भाव समाधि से बाहर आए तो गिलहरी के पास गए कि मैं फिर से तेरी पूंछ दबाऊं और मुझे फिर से राम का चरण मिलता जाए। कैसी है ये, कैसी साधना की युक्ति। श्री कृष्ण ने चोर लीला है, चोर शास्त्र है कृष्ण का बनाया हुआ, चोरी शास्त्र, चोरी कैसे करना उसकी रीत बताई जयराम जी की।
जहां मक्खन चुराने जाओ पहले भागने के रास्ते देख के आया करो, और माल कितना है, किसका है और कौन आ सकता है ये जांच करो, और फिर मुझे बताओ। तो बताया कि एक गोप है, उसने दाढ़ी रखी हुई है, उस जमाने में दाढ़ी तो लगभग सभी रखते थे, और गोप उसकी पत्नी भी है, और उन्होंने मक्खन बनाए रखा है, और वे छीके के पास में ही अपना बिस्तर लगाए कि क्या पता तुम कब चुराने आओ, हो सकता है कि वो झूठ मूठ सोने का नाटक भी करे। कृष्ण ने कहा तुमने ठीक कहा है, चलते। कृष्ण पहुंचे कि बिल्कुल हमको पकड़ने के लिए ये लेटे हैं। कृष्ण ने क्या करा, धीरे से वो गोप की दाढ़ी और गोपी का चुट्टा बराबर कस के 10-5 गांठे लगा दी और अपना काम शुरू किया। तो वो उठे तो वो उसको खींचे, वो उसको खींचे, ओए 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 ओए, अपना मक्खन लेके ये चलते बने, और जाते जाते उनके मुंह पर, दाढ़ी पर, उसके बालों पर दे मारा। बाहर निकले लोगों ने बोला, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे के देखो हमारा मक्खन चोरी हो गया। अरे मक्खन तो तुम्हारे मुंह पे लगा है, तेरे सिर पर लगा, चोरी कैसे हुआ? कृष्ण गोदे ले खा, ले, कैसी है चोरी लीला? ऐसी तो कई उनकी लीलाएं आती चौरी शास्त्र के अनुसार, तो क्या क्या खेल करते। तो जीवन केवल समस्या है और उसके समाधान के लिए नहीं, जीवन केवल खा पी कर बच्चे पैदा करके बैल के नहीं मरने के लिए नहीं, जीवन में छुपे हुए आनंद को जगाने के लिए जीवन है, छुपे हुए सत्य को जानने के लिए जीवन है, और छुपे हुए अपने स्वभाव में जीने के लिए जीवन है। आनंद भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, विनोद भी चाहिए, हास्य भी चाहिए, एकांगी जीवन नहीं, वन वे ट्रैफिक नहीं। लेकिन हास्य तो जहां तहे है करते रहने, गंभीरता भी उतनी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, प्रेम मिला तो बस चिपक गए नहीं, संयम भी चाहिए। तो ये गुरु पूर्णम हमें गुरु मना बड़े सुख के तरफ ले जाने का संदेश थी, बड़ी सूझबूझ के तरफ ले जाने का।